हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और गाइस, आज मैं करने वाला हूं अपनी एपिलिया में एक छोटा सा और एक इम्पॉर्टेंट चेंज, जो कि है फ्रंट का डिस्क पैड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस बाइक की जो ब्रेकिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी स्पॉन्जी सी ब्रेकिंग है, खासकर हाई टेम्परेचर में ये ब्रेक फेड भी कर जाता है। सो गाइस, आज इसका हमें सॉल्यूशन मिला है, वो है ये ब्रेम्बो का रेसिंग SR कंपाउंड। तो इसे आज मैं अपनी बाइक में इंस्टॉल करने वाला हूँ। गाइस, इसकी ब्रेकिंग ना बहुत ही बहुत ज़्यादा स्मूथ सी ब्रेकिंग है, कुछ खास लगती नहीं है, इसकी बाइट में मज़ा नहीं आता है, और जिस वजह से ये पैड चेंज करने पड़ रहे हैं, डिस्क पैड। इसके ऊपर सिर्फ इनका ब्रेम्बो का RC कंपाउंड आता है, जो कि रेस बाइक्स के लिए होता है, कहने का मतलब ट्रैक यूज़ के लिए होता है। क्योंकि वो नॉर्मली होता क्या है उन पैड्स में, कि वो सिर्फ एक हाई टेम्परेचर में, यानी कि जब आपकी डिस्क वगैरह बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाती है तो ही काम करता है। वो लो टेम्परेचर, जैसे कि हम नॉर्मल राइड वगैरह में, वो काम नहीं करता है, वो फेड मार जाएगा। तो इस वजह से ये जो पैड है, ये दोनों के लिए यूज़ है। आप इसको ट्रैक में भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसे नॉर्मल रोड या नॉर्मल अपनी सिटी राइड्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है आपका नॉर्मल जो ऑर्गेनिक पैड आते हैं या सिरेमिक पैड आते हैं उनका। और बाकी इसकी क्या बाइट है, कैसी है, वो अभी मैं जब इसको इंस्टॉल कर दूंगा उसके बाद आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कि कितना किस तरीके से काम कर रहा है, कितना अच्छा ये काम कर रहा है। तो फिलहाल अभी पैड वगैरह चेंज कर लेते हैं। दिखाना भाव, ये हमारे स्टॉक पैड है जो किसमें सिंटेड आते हैं। सिंटेड है। हाँ, सिंटेड है, बट इनकी लाइफ अच्छी होती है, पर यार ये उतना काम नहीं कर पाते। इवन ये भी ब्रैम्बो की ही है, और इन दोनों में फर्क देखिए आप। और गाइस, ऐसा नहीं है कि ये आपका जो नए वाले पैड हैं, ये रेसिंग पैड हैं, तो ये बहुत जल्दी घिस जाएंगे या कुछ। इनकी लाइफ भी बहुत अच्छी है। लास्ट में इस लॉक को लगा देंगे, सेट। सो गाइस, पैड वगैरह हमारे लग चुके हैं, अब स्टूडियो से निकलते हैं और कोई खाली जगह, खाली रोड पे इसकी टेस्टिंग करते हैं ब्रेक की, कि क्या परफॉर्मेंस है, कितना फर्क है। सो गाइस, मैं आ गया हूँ ब्रेक टेस्टिंग के लिए, और ये मेरे घर के पास ही एक पुल जो कि इस टाइम पे काफ़ी खाली है। टाइम पे इस रोड पे ना के बराबर ट्रैफिक रहता है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ब्रेकिंग कैसी है। हालांकि मैं स्टूडियो से यहाँ तक चला के आया, तो ब्रेकिंग तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ब्रेकिंग में, स्टॉक ब्रेकिंग के कंपेरिजन। जो अभी ब्रेम्बो का SR कंपाउंड डाला है, बहुत डिफरेंस है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो अब स्टॉपिंग पावर है कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। बाइट तो दिख ही रहा है साफ साफ, कि तगड़ा है। हाँ भाई, गाइस, जो ब्रेकिंग है टॉप नॉच ब्रेकिंग हो चुकी है। अगर आप सिर्फ 40 की स्पीड में भी आ रहे हो ना, तब भी एक बहुत छोटी सी स्टॉपी कैरी हो जा रही है। कहने का मतलब, जो इसकी ब्रेकिंग हो गई है बिल्कुल एकदम टॉप नॉच। भाई मज़ा आ गया,
ये तो मेरे को लग ही नहीं रहा कि इतना ज्यादा इतनी ज्यादा पावरफुल इसकी ब्रेकिंग हो जाएगी, इतनी पावरफुल बाइट हो जाएंगी। वाह, मुझे पहले यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना डिफरेंस है। बहुत अच्छा बाइट है यार, बहुत अच्छा बाइट होगा। तो गाइस मैं तो बिल्कुल रिकमेंड करूंगा आपको कि जो कि ये SR कंपाउंड है ब्रेम्बो का, अपनी बाइक्स में इंस्टॉल करें। मैं तो देहरादून रहता हूँ गाइस, आप जहाँ से भी देख रहे होंगे आप ऑर्डर कर सकते हैं भैया को। मैं इनका इंस्टाग्राम का जो पेज है वीडियो में दिख रहा होगा, आप इसको सर्च करके इनसे बात वगैरह करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया डिलीवर कर देंगे आपको ये ब्रेक पैड्स। और ये जो SR कंपाउंड ब्रेक पैड्स है शायद मुझे कहीं और मिला नहीं वैसे, ये तो शायद ये पूरे इंडिया में अवेलेबल है भी नहीं, ये इम्पोर्ट हुआ है। हाँ मतलब अभी सिर्फ एक पैड और है भैया के पास, तो आप अगर ऑर्डर करेंगे तो वो मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने कुछ 15-20 दिन लगे मेरे को ऑर्डर करे हुए, तो अभी मेरे पास आ गया है। तो बाकी गाइस बाइक की बाइट वगैरह क्या चीज़, अच्छा हाँ XR में, हाँ वो तो इसका पीछे वाला इसके बाइक बहुत अमेजिंग है इसकी, हाँ वो तो है ही। खैर हाँ ये चीज़ तो है, भैया ने मेरे को भी यही बोला था कि जो इसका SR कंपाउंड है ऐसा नहीं है कि बाइट अच्छे होने से तो इसका मतलब ये जल्दी घिस जाएगा या जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका जितना स्टॉक चलता है ऑलमोस्ट उतना ही चलेगा। थोड़ा एक्सपेंसिव तो है, अगर सेफ्टी ले जाओगे तो भाई थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बाइक तो बहुत अच्छी बना दी बट ब्रेकिंग थोड़ा सही कर देते, क्योंकि मेन तो ब्रेकिंग होती है यार, इतनी पावरफुल मशीन है तो उस हिसाब से ब्रेकिंग होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एप्टिला ने बस यहीं पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया था। पर चलो खैर कोई बात नहीं, तो भाई बियर पीने का टाइम हो गया बाबा। इसको बियर पीनी है, एक तो धूप सच में बहुत ज़्यादा धूप है आज। तो चलो गाइस मैं तो 100% सेटिस्फाई हो गया इस ब्रेक से, और अगर आपको भी ये ब्रेक पैड चाहिए होंगे तो भैया को मैसेज या कॉल करें इंस्टाग्राम में। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।